हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिपब्लिका आईएएस के इस मंच पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिका एक बड़ी फैमिली है और एक एक्सटेंडेड फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग इस फैमिली के सदस्य नहीं हैं वो बन जाएंगे। हर एक संडे को मैं कुछ न कुछ कहानी लेकर के आप लोगों के लिए आता हूं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, और मोटिवेशन मैं पहले भी कह चुका हूं, मोटिवेशन बाहर से नहीं अंदर से आना चाहिए। तो पर्पस हमारा बाहर से देने का नहीं है, आपके अंदर की मोटिवेशन को सामने लाना है, वह आपके अंदर है। बीज में जो क्षमता होती है, एक सीड्स में, उसकी इंटरनल कैपेसिटी है। बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, वह इंपोज नहीं किया सकता है। बीज की क्षमता उसके अंदर ही है, उसमें होता है, सुषुप्तावस्था में होता है, सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। लेकिन जैसे ही उसको एक बेटर माहौल मिल जाता है, और बेटर माहौल में उसको अनुकूल जल चाहिए, वायु चाहिए, यानी जलवायु और मिट्टी, तो क्या होता है, वह मौका मिलते ही वहां से चीजें अंकुरित हो जाती हैं। गांव घर में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कोठी हुआ करता था मिट्टी का, ढक हुआ करता था, संदूक हुआ करता था, उसमें लोग अनाज रखते थे। लेकिन उसमें अंकुरित नहीं होता था। लेकिन वही जब उसे प्रॉपर पानी बीज के साथ मिट्टी में डाल दिया जाता है तो वह अंकुरित हो जाता है। सालों साल वह सुषुप्तावस्था में रह सकता है, आपके डब्बा में, आपके घर की कोठी, ढक आदि में। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी ही बीज वाली बीजीय शक्ति है, वह इंटरनल है, अंदर से है। इसी सारी चीजों के संदर्भ में थोड़ी सी हम लोग गंभीर बातें कुछ करें। प्रश्न आज का यह है कि क्या शरीर को मशीन बनाया जा सकता है। जैसे कल कारखाने में मशीन होता है, क्या उसी ढंग से शरीर को मशीन बना करके इससे प्रोडक्शन लिया जा सकता है, कोई चीज प्रोड्यूस किया जा सकता है। मशीन इसलिए कि मशीन एक कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है, उसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है। अच्छा, मशीन क्या होता है कहने की आवश्यकता नहीं है। मशीन वह है जो किसी चीज को, काफी काम को आसान कर दे। थ्री इडियट फिल्म लगभग आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं भी देखा हूं कई बार, मुझे भी काफी अच्छा लगा फिल्म। तो उसमें आमिर खान जो क्लास चल रहा होता है, आईआईटी दिल्ली का क्लास अटेंड आमिर खान कर रहा होता है, और पूछाता है कि मशीन क्या है, तो उसने कुछ ऐसा ही परिभाषा दिया था कि जो मनुष्य के काम को आसान कर दे वह मशीन है। और बहुत ही मजाकिया शब्दों में उसने पैंट के जीप का उदाहरण दिया था कि बस ऊपर नीचे करो, ये मशीन है। तो उसके टीचर और अन्य सदस्य ने काफ़ी हंसा था। फिर किसी दूसरे सदस्य ने काफ़ी लंबी चौड़ी परिभाषा दी थी कि मशीन की परिभाषा वह नहीं, वह है। परिभाषा कुछ भी हो, वह अपने जगह पर है, बस मतलब यह है कि मशीन काम को आसान कर देता है, उसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है, वह प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। जिस चीज़ को हम मैन्युअली किसी काम को करते हैं,
कपड़ा बुनने का काम है, हाथ से भी बुना जाता है, लेकिन उसी चीज़ को जब मशीन से करते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मशीन जो होता है उसमें जो कल पुर्जे होते हैं उसे उसको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जो आप गाड़ी देखे होंगे, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें बॉल होता है, वायरिंग होता है, चेचिस होता है, चेन होता है, व्हील होता है, क्या उसे पता है कि वह कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, कितनी हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वह निर्जीव है लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। प्रश्न आज का यही है कि क्या हम अपने शरीर को मशीन की तरह, मशीन हमारा शरीर है लेकिन उसको विशेषीकृत मशीन की तरह, एक स्पेशलाइज्ड मशीन की तरह, जो कल कारखाने में मशीन होता है, जो हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ी में लगा होता है, इंजन के रूप में होता है, उस रूप में क्या इसको डेवलप किया जा सकता है? निश्चित रूप से इसका आंसर हाँ होगा। पूरी ब्रह्मांड भी कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म से काम कर रहा है, हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही कल पुर्जे की तरह है, हाथ पैर आँख कान नाक जीभ दांत सबका अपना अपना अलग अलग काम है, सब कार्य कारण संबंधों से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर एक इंजन भी है, एक बहुत बड़ा इंजन है, दुनिया का सबसे बड़ा इंजन हमारा मस्तिष्क है, लेकिन उसकी क्षमता का पूरा यूज हम नहीं कर पाते हैं। कितनी ज़्यादा हमारे अंदर कैपेसिटी है यह हमें स्वयं भी एहसास नहीं है। यह जो इंजन है, अब मैं बॉडी को एक मशीन के रूप में हम लोग आज देखें, कोई बहुत नई बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज इस एंगल से आप लोग सोचिए, यह जो अपना शरीर है उसको एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड मशीन की तरह हम लोग डेवलप करें, एक इसको कल पुर्जे कारखाने के रूप में हम लोग देखें, और इस सर हमारा जो मस्तिष्क है वह काफ़ी स्पेशलाइज्ड इंजन है, और दुनिया का कोई भी इंजन इतना इफिशेंटली काम नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी काम नहीं कर सकता है जो मनुष्य ने किया है, और वह आपको भी दिया गया है, सबको दिया गया है, लेकिन शायद हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। 3 फिल्म में वही बातें कही गई है कि इसका दिमाग तो म्यूजियम में रखने लायक है, बहुत ही महंगा बिकेगा, क्यों अब तक यूज ही नहीं हुआ है। जो 3 में बाकी के जो 2 थे, माधवन और समथिंग तीसरा, इस संदर्भ में कहूंगा कि मशीन को अगर आप यूज नहीं करते तो मशीन की जो कैपेसिटी है उस दिन काम करने की वह बर्बाद हो जाती है, वो उसको आप सेव नहीं कर सकते, रिजर्व नहीं रख सकते। एक कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन, लेकिन एक दूसरा उल्टा है इसका, दूसरे एंगल से मैं बोल रहा हूँ कि लेबर ऑलवेज गोज इन वेन। अगर अपने श्रम को जो आज मैं कर सकता हूं, जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, अगर आपने नहीं किया तो उसको आप रिजर्व नहीं कर सकते अगले दिन के लिए। सिंपल सी बातें हैं, तो वह बर्बाद चला जाएगा। इसलिए आज का काम आज ही काम कर लीजिए, इस मशीन से ले लीजिए, और अपने बॉडी को एक स्पेसिफाइड मशीन के रूप में डेवलप करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पेसिफाइड मैकेनिज्म मशीन की रूप में, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं लूँगा जिससे चीज़ और क्लियर हो जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ कुछ कहानी वाली बातें भी आ रही है, केवल उपदेश नहीं। हाल में इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्डर हो चुका है, और एक छोटी सी लड़की 13 साल कि एक लड़की जो कि गुड़गांव से चल करके और बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कमतौल जगह है वहाँ पर आती है, एक मन में कमिटमेंट के साथ 1100-1200 किलोमीटर की जो भी दूरी होगी उस दूरी को साइकिल से तय करती है अपने फादर के साथ, अपने से डबल एज डबल वेट
वाले व्यक्ति को डबल नहीं ट्रिपल कर सकते हैं, व्यक्ति को बैठा करके। यह कोई साधारण सी बातें नहीं थी, नहीं है, वो भी 7 दिन में 8 दिन में, दिन एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है मीडिया के हिसाब से। अब पर डे उसने, अगर 7 दिन 8 दिन में वो आई तो पर डे उसने 250 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चलाया, 170 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। यह कोई साधारण सी बातें नहीं थी, वो भी किसी को लोड करके। आखिर उसने अपने शरीर को किस प्रकार से मशीन में, जो हमारे ऑटोमोबाइल मशीन में होता है, हमारे बाइक्स में, हमारी फोर व्हीलर्स में, गाड़ियों में होता है, आखिर अपने शरीर को कैसे ढाल लिया उसमें चलने, उस किसी भी मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, वह एनर्जी कहाँ से आया, एक अविश्वसनीय एनर्जी, वह फ्यूल कहाँ से आया, वह पेट्रोल डीजल, वह बिजली से चलने वाला पावर शक्ति कहाँ से आया। अब सोचिए जरा, एक गरीब घर की लड़की, सही ढंग से जिसे खाना पीना भी नहीं मिलता, मैल न्यूट्रिशन का शिकार जनरली भारत और बिहार के गरीब फैमिली में लोग को आप देख सकते हैं, आखिर कहां से। स्पष्ट है कि हमारे शरीर के अंदर कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अपने शरीर को हम मशीन के रूप में काम नहीं ले पा रहे हैं, और वह निरंतर बर्बाद हो रहा है। वह लेवर, उसको आप सुरक्षित भी नहीं रख सकते कि 10 साल काम नहीं करूंगा तो फिर आगे के लिए वह कम से कम रिजर्व तो रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम सब स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एक टीचिंग फैमिली से जुड़े हुए हैं, और इस बात को हम सबसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कैसे अपने शरीर को मशीन के रूप में, एक हाइपर मशीन के रूप में, एक सुपरसोनिक मशीन के रूप में आपको डेवलप करना होगा, और फिर आप देखिए कि आपकी सफलता कितनी आसान हो जाती है। ज्योति कुमारी के लिए एक छोटी सी लड़की ने जितना कठिन और असंभव सा कार्य कर दिखाया, उससे ज़्यादा कठिन आपके लिए बीपीएससी में, यूपीएससी में, प्रोजेक्ट मैनेजर में, सिटी मैनेजर में, ईपीएफओ में, टेट में, नेट में सफल होना तो नहीं हो सकता है, बैंकिंग, नेट, रेलवे आदि के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। अब बैंकिंग, रेलवे और बीपीएससी का एग्जाम आप निकालते हैं तो उसका, उस पर रिसर्च नहीं होता है, इसके लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस से और इंटरनेशनल मीडिया आपके पास या फिर चर्चा में नहीं आता है। क्यों? वह काम उतना इम्पॉसिबल नहीं है, वह आसान काम है। जो काम जितना ही कठिन होगा उसकी चर्चा उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा लोग उस पर रिसर्च करेगा। इंटरनेशनल मीडिया, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तभी आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे जब आप कुछ अजूबा करेंगे। तो सोचिए, उसके सामने आपकी सफलता कहीं भी नहीं टिकती है। इसलिए आपका जो भी लक्ष्य है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है लाइफ का, और उस एक बड़ी मैकेनिज्म का जो आपके अंदर है, उसको डेवलप कीजिए, उस मैकेनिज्म को, और सफलता पाइए। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो उभर के आ रही है, वह यह कि जो हमारे अंदर एक स्पेशल पावर है, वह जो आत्मीय पावर है, वो बहुत ही विशिष्ट है, और वह तभी जागृत होगा जब आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को रखेंगे। छोटे लक्ष्यों को आप सामने रखेंगे तो वह शक्ति उभर के सामने नहीं आएगी।
एक छोटा सा उदाहरण, यह चौक है या मार्कर है, इसको उठाने के लिए हम कभी भी नहीं बोलते जय श्री राम या जय बजरंगबली, लेकिन एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेंग होता है, लकड़ी का पार्ट होता है, अगर वह उसे उठाना हो तो हम क्या करते हैं, दम लगाते हैं को और भगवान का नाम लेते हैं जय बजरंगबली। क्यों? आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और आप कर भी बैठते हैं। उसी ढंग से जितना ही वाला लक्ष्य होगा उतनी ही अंदर से शक्ति भी निकलेगी। इसलिए अपने लक्ष्य को बड़ा रखिए, और आपने अगर छोटा लक्ष्य भी रखा है, जैसे एग्जाम में सफल होना एक तरह से कोई वैसा लक्ष्य नहीं है, तो इस लक्ष्य को तो बहुत ही आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर मैकेनिज्म को डेवलप कर लिया, वह अंदर आत्मा की जो आत्मीय जो कैपेसिटी है उसको जागृत करना होगा, और वो सब में होता है, बस केवल उसे उभारना है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड रहा है, और जो ज्योति कुमारी ने किया उसको मैं समझ सकता हूँ, यह एक तरह से सही में असंभव सा कार्य है। मैं भी चूंकि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है, मैं भी एक दिन में ओवर 130 किलोमीटर साइकिल चलाया हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा उसमें मैं सर्टेनली कह सकता हूँ ईमानदारी पूर्वक कि उतने के बाद शरीर बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, बिल्कुल जवाब दे देता है। हमने तो अकेले एक सिंगल सीटेड होकर के मैं साइकिल को चलाया, लेकिन इसको देखिए, अपने से डबल एज डबल वेटेड व्यक्ति को बैठा करके वो भी सड़क पर इतनी सुनसान वीरान, एक डर भय, 7 दिन तक रुकना, खाना पीना, न खाने पीने की कुछ कहाँ से। अब सोचिए कितना असंभव सा कार्य है उसने कर दिखाया, तो क्या उसके सामने आप सोचिए कि हमारा लक्ष्य कितना छोटा है। मैं यही कहूँगा, उसको सलाम कीजिए, और आप भी अपने अंदर के उस मैकेनिज्म को डेवलप कीजिए, अंदर के उस मशीन को आप बिल्कुल ही दुरुस्त कीजिए और अपने लक्ष्य पर लग जाइए। आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा साबित होगा, आप इससे भी बहुत बड़े लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको गंभीरता से सोचेंगे और सर्टेनली इसका फायदा उठाएंगे। रिपब्लिका इस क्रम में आप सबका साथ देगी, सही गाइडलाइन, सही डायरेक्शन, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाया जा रहा है, तो उससे आप लोग जुड़िए। रिपब्लिका IAS के ऐप पर, व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं 7678599093। बहुत सारा कोर्स भी PSC के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, सिटी मैनेजर के लिए, UPSC, EPFO के लिए, नेट टेट आदि के लिए भी चलाया जा रहा है, जुड़िए। और उसमें हमारा जो भी रोल है कल पुर्जे के रूप में, थोड़ी सी सहयोग के रूप में, आप मेरे से लीजिए, मेहनत कीजिए और सफल होइए। देखिए, जवाना आपके पीछे होगी, मीडिया आपके पीछे होगी, आप भी चर्चा में होंगे। इस कोरोना और लॉकडाउन को एक वरदान के रूप में आप साबित कीजिए, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, समय है। ठीक है, ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। अलविदा, टेक केयर।